मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल लाइफ फेडरेशन। आज की ये जो प्रेस वार्ता में हमने आपको तकलीफ दी है कि पिछले दिनों 24 तारीख को इसी महीने की हमने 3 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल की स्ट्राइक दी थी, जिसमें कि आपको पता है कि मरीज जो बेचारे बड़े दरबदर हुए। हम उनसे, आम पब्लिक से माफ़ी चाहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम लगातार 4-5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर जब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो हमें स्ट्राइक ही काल देनी पड़ी। तो 24 तारीख को ही हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि 6 जून को वन डे स्ट्राइक जो है जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन की तरफ से होगी। एक तो मैं आपके माध्यम से तमाम एम्प्लॉयज़ का, जो दूर दराज में बड़े पार्डर में बैठे हुए हैं, बनी में बैठे हुए हैं, जिन्होंने स्ट्राइक की, उनका शुक्रिया कि ये जो हमारी डिमांड्स हैं 4, और ये कोई नई डिमांड्स नहीं है, बहुत पुरानी डिमांड्स है कि एक DPC डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी होती है जो एम्प्लॉयज़ का सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन देती है। बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं उसमें खाली पड़े हुए हैं, उनमें पोस्टें फिल नहीं हुई हैं, और अगर हमारी DPC हो जाती है, कोई 4-5 हज़ार बच्चा है जिनको नए रिक्रूटमेंट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और 5 हज़ार जो लोग हैं वो अगले कतार में जाएंगे। दूसरा, हमारा जो फीमेल मल्टीपल वर्कर्स हैं, 2211 हेड है उनका, एक लगातार पिछले 10 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका परमानेंट सोल्यूशन करो, परमानेंट सोल्यूशन करो, आज तक उनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। कभी 6 महीने, कभी 5 महीने, अभी भी 5 महीने की पे उनकी जो है रिलीज नहीं हुई है। तीसरा, 5 अक्टूबर 2019 के बाद जब यूटी बना तो जो फार्मासिस्ट हमारे दूर दराज में थे, चाहे वो बनी में थे, चाहे वो डोडा में थे, चाहे वो किश्तवाड़ में थे, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, उनकी रजिस्ट्रेशन जो रह गई है, उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला हमने उठाया हुआ है। पिछले 4 महीने पहले होम मिनिस्ट्री से, दिल्ली से लेटर आई थी, उनका जवाब भी ये जो टाइम पर वहाँ नहीं दे सके। चौथी हमारी डिमांड है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो बड़ी स्टेटों में लागू कर दी है, यहाँ पर वो लागू की जाए। और आपके माध्यम से मैं एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट को, उस पर्टिकुलरली चीफ सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि खुदा रहा हमारी जो एम्प्लॉयज़ है इनके लिए थोड़ा टाइम निकालो, मीटिंग करो, जो हमारी मीटिंग पेंडिंग है, ताकि हमारे जो DPC का मसला है वो हल हो सके। आम पब्लिक से माफ़ी चाहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम लगातार 4-5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर जब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो प्रेस वार्ता में हमने आपको तकलीफ दी है कि पिछले दिनों 24 तारीख को इसी महीने की हमने 3 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल की स्ट्राइक दी थी 4, और ये कोई नई डिमांड्स नहीं है, बहुत पुरानी डिमांड्स है कि एक DPC डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी होती है जो एम्प्लॉय